ये अकीदत पेश करना चाहता हूँ मुराद राष्ट्र उमर जी को, मदनी को, फवाद को और अल्लामा इकबाल के पोते इकबाल को, जिन्होंने आज अपनी आजादी कुर्बानी आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौजवान मुस्तकबिल के लिए फैसला किया, और उन तमाम दलेर कर वो 200 बहादुर बिल्कुल मुख्तसर की बात ये कि ये लोग अपनी गिरफ्तारी दे क्यों रहे हैं, क्या सूरत हाल जहां मुल्का निजाम दरहम बरहम हो चुका हो, एक रजीम साजिश वजह से, एक कानूनी मुदाखलत की वजह से जमीरों की मंडी लगा के आइन को कर इंसानी हकूक को पामाल करके हजारों हजारों कारोबार बंद करके लाखों अफराद को बेरोजगार करके और पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई पाकिस्तान उसका सामना कर रहे हो, तो मैं आप सवाल पूछता हूँ कि वो लोग दिल में अपने मोहब्बत रखे क्या ये देखते रहे कि दिहाड़ीदार बगैर अपनी दिहाड़ी के बैठा हुआ है, बच्चों के लिए खाना नहीं जा सक रहा, क्या खामोशी से ये देखते रहे कि आटे की कीमत 2 गुना बढ़ जाए और गरीब अपने बच्चों के लिए रोटी ला सके, खामोशी से हम ये देखते रहे कि पेट्रोल तकरीबन 2 गुना महंगा हो जाए, डीजल 2 गुना महंगा हो जाए, एक शख्स बस का किराया देने के काबिल न रहे, एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के काबिल न रहे और हम खामोशी से देखते रहे, क्या ये मुमकिन है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मुमकिन है? क्या बाज़ अमीर